कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज नवरात्रि के दूसरा दिन है दोस्तों। तो दोस्तों आज की रेसिपी बनाने वाली हूँ दोस्तों। मेरे बच्चे बोल रहे थे बहुत दिनों से मम्मी डोसा खाना डोसा खाना, और मेरे पास डोसा वाला पैन है भी नहीं, और यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास तवा था उसमें तो बनता नहीं था दोस्तों सही से। तो आज दोस्तों मैं डोसा बना रही हूँ, वो भी किस में बनाऊँगी वो मैं वीडियो में बताऊँगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सामग्री लिया है डोसा बनाने के लिए, सूजी सामग्री यहाँ ले लिया है मैंने दोस्तों, एक कटोरी सूजी बारीक वाली ले लिया है, बारीक मोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लिया मैंने घर का जमाया हुआ आधा कटोरी दही। यहाँ पर ले लिया है मैंने सेम कटोरी में पानी, एक चम्मच चीनी ले लिया है दोस्तों, और यहाँ पर ले लिया है मैंने नमक। यहाँ पर हम ले लेंगे एक बड़ा वाला मिक्सी का जाल, अभी इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी, साथ में यहाँ पर हम डाल लेंगे यहाँ पर दही। तो जिस कटोरी मैंने दही लिया था ना उसमें दही लगा हुआ है, तो हम इसी में पानी ले लेंगे आधा कटोरी, और अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच चीनी, और यहाँ पर डालेंगे नमक, इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पीस लिया है दोस्तों, और आपको ये दिखाते हैं इसका कंठ से, ये देखिए नहीं इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ले लेंगे बड़ा सा बर्तन, और ये सारा पेस्ट हमें इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा बैटर निकाल लिया है दोस्तों, अब इसको ढक करके हम 10 मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए हम रेस्ट में छोड़ देंगे। तो इधर हमारा डोसा का बैटर रेस्ट कर रहा है दोस्तों, हम यहाँ पर फिलिंग बना लेते हैं। तो कढ़ाई पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, तो गर्म हो गया तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं थोड़ी सी जीरा डाल देते हैं, कड़ी पत्ता, अब इसमें जाएगा हरी मिर्च, यहाँ पर 2 मैंने बारीक कट कर ली थी, साथ में यहाँ पर मैंने हाफ प्याज डाल देते हैं दोस्तों। नवरात्र में बहुत लोग प्याज नहीं खाते दोस्तों, लेकिन मैं प्याज यहाँ पर डालती हूँ। तो यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं, और इसको प्याज को हल्का सा हम भून लेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्का फ्राई हो गया है दोस्तों, तो हम आपको कर देते हैं धीमा। अब इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज का आलू ले ली थी, इसको मैंने उबाल करके और छील लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आलू डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने आलू डाल दिया है दोस्तों कढ़ाई में, और ये मैशर करने वाले से हम आलू को हल्का सा मैश कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आलू का गुठली रहता है ना उसे छोटे छोटे, तो खाने में अच्छा लगता है ढोसे के साथ। तो बस इसको इतना ही यहाँ पर मैश करना है, और इसको चलाते हुए यहाँ पर हम मिला देंगे एक बार। हाफ टमाटर जिसको मैंने बारीक कट कर ली थी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे काट करके, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे फिलिंग में, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स पाउडर। हम आग को फिर से तेज कर लेंगे, इसको चलाते हुए हम फिलिंग को भून लेंगे। तो यहाँ पर फिलिंग को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अच्छे से फिलिंग यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। तो इतना सूखा सूखा नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गुनगुना गर्म पानी कर लिया था, तो यहाँ पर मैं डाल देंगी छोटे गिलास से आधा गिलास से हल्का कम, थोड़ा सा ये फिलिंग जो रहता है डोसे का थोड़ा सा हल्का गीला गीला रहेगा ना तो अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर बस इसको मिला करके और गैस को हमें कर देना है बंद। गैस को मैंने कर दिया है बंद दोस्तों, अब थोड़ा सा इसके ऊपर से हम हरा धनिया डाल देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं डोसा आज डोसा वाला पैन में बनाने वाली हूँ। इसको दोस्तों मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया है, क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे थे ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा चलो तवा ले लेते हैं, बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑनलाइन तवा मंगाया है दोस्तों, और ये मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये ठीक है। तो आज मैं पहली बार इसमें डोसा बनाने जा रही हूँ डोसा वाला पैन में, तो इसको पहले हम धो लेते हैं दोस्तों। तो इसको यहाँ पर मैंने धो करके और क्लीन कर लिया है दोस्तों, और मैंने गैस को ऑन करके चढ़ा दिया है इसको गर्म होने के लिए। फिलिंग अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है दोस्तों, तो यहाँ पर हम छोटा चम्मच से आधी चम्मच डाल देंगे यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर, और इसको मिला करके हम ढक देंगे कि फिलिंग जो है ये गर्म रहे। यहाँ पर जो हमारा पेस्ट है इसमें हम डाल देते हैं अब मीठा सोडा, छोटे चम्मच से आधा चम्मच डाल देंगे, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे मिलाते हुए एक ही डायरेक्शन में। तो ये बैटर थोड़ा सा हल्का हो गया दोस्तों पेस्ट, और ये देखिए इसका, अब इसको साइड में रखते हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्म हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पर ले लिया है मैंने पानी, और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे, तवा हल्का सा यहाँ पर ठंडा करना है, और इसको को कपड़ा ले लीजिए
और इसको पोंछ लीजिए इस तरह से एकदम अच्छे से। और आंच को कर दिए हैं मीडियम लो में। अब यहाँ पर डालते हैं ये एक करछी और इसको इस तरीके से हम गोल गोल घुमा देते हैं। यहाँ पर अच्छे से फैला दिए हैं दोस्तों। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम रिफाइंड तेल ले लेंगे। अब इसके जगह घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आंच कर दिया है मीडियम लो में। इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा दोस्तों, फिर हम इसको पलटेंगे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जो डोसा में डोसा के पैन में बना पा रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर डोसा तो कंप्लीट है दोस्तों। अब इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाया है डोसा फिलिंग, अब इसके ऊपर से हम वो रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डोसा फिलिंग थोड़ा सा गीला इसलिए रखा दोस्तों, खाने में भी अच्छा लगता है और अच्छे से ये डोसा के ऊपर से ये बैठ भी जाता है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने घर के चीज़ों से चटनी बना लिया दोस्तों। इसके ऊपर से ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 बूंद इस तरीके से हम डाल देंगे और बस डोसा को हमें इस तरीके से रफ करते हुए यानी गोल करते हुए इसको इस तरह से कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, एक डोसा हमारा रेडी हो गया है। आपको मैं दूसरी तरफ से इसको पलट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर प्लेट ले लिए हैं इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम प्लेट में गर्मा गर्म एक डोसा रेडी हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर तवा भी गर्म है, तो फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। यहाँ पर पानी का छींटा लगाएंगे और इसको कपड़े से एकदम अच्छे से पोंछ लेना है। फिर से हमें ये जो पेस्ट बनाया है ये इसमें डालेंगे और इसको बीच से इस तरीके से हम रफ रफ करते हुए इसको फैला लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे साइड साइड से। तो यहाँ पर दूसरा डोसा भी रेडी हो गया है। तो इसको भी हम इस तरीके से फिलिंग को जो हम इसमें फैला देंगे अच्छे से। थोड़ा सा चटनी में इसलिए डालें दोस्तों, ये जो डोसा है खाने भी अच्छा लगेगा, तीखा चटपटा। और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर दूसरा भी डोसा हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 डोसा बना करके रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले लिया है दोस्तों, आप डोसा रखते हैं इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये चौथा डोसा। तो ये आज की थाली डोसे की रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो आज की रेसिपी, ये डोसे की रेसिपी बन करके रेडी हो गया है दोस्तों। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, मेरे हर वीडियो अब तक पहुँच जाएगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।